दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट काफी बड़ी है। वही खिलाड़ी कुमार की इस अपकमिंग मूवी की लिस्ट में एक मूवी क्रैक नाम से भी है। जी हाँ, इस मूवी का क्या हुआ, ये कब आएगी या फिर नहीं आएगी, इस पर ही ये आज की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन हमारे कुछ व्यूवर्स इस मूवी के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए ये वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से क्रैक मूवी की चर्चा थी, इसे डायरेक्टर नीरज पांडे बनाने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, नीरज पांडे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर है जिन्होंने डायरेक्शन को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। नीरज पांडे लीक से हटकर फिल्में बनाने में माहिर है। बेहद ही संवेदनशील मुद्दों पर फिल्में बनाकर नीरज पांडे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। उन्होंने वेंसडे बेबी और नाम शबाना जैसी फिल्में बनाई है। नीरज पांडे ने इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ काम किया है। बेबी के बाद दोनों एक बार फिर साथ काम करने वाले थे, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। दरअसल दोस्तों, दोनों ही क्रैक नाम के एक मूवी में काम करने वाले थे जिसका ऐलान भी हो चुका था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। दरअसल दोनों के बीच एक मूवी के चलते क्लैश आ गया था, जिसके चलते दोनों अभी तक साथ नजर नहीं आ पाए। दरअसल नीरज पांडे ने कुछ वक्त पहले अय्यारी नाम की एक फिल्म बनाई थी जिसमें मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। इस फिल्म को नीरज पांडे ने अक्षय कुमार की पैडमैन के सामने रिलीज करने का फैसला किया। वही दूसरी ओर अक्षय कुमार और सोनम कपूर की फिल्म पैडमैन का इंतजार काफी वक्त से सिनेमा में किया जा रहा था। अक्षय कुमार चाहते थे कि उनकी फिल्म पैडमैन को बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज मिले, लेकिन नीरज पांडे के चलते ऐसा नहीं हो सका। दरअसल उन्होंने उसी दिन अय्यारी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करने का फैसला किया जिस दिन अक्षय कुमार की पैडमैन रिलीज होने वाली थी। बस फिर क्या था, अक्षय कुमार और नीरज पांडे की दोस्ती में ऐसी खटास पड़ी कि फिर ये दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए। दरअसल दोस्तों, ऐसी खबरें हैं कि खुद अक्षय कुमार ने नीरज पांडे को पर्सनली कॉल करके रिलीज डेट आगे बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं माने, जिसके चलते दोनों के बीच खटास का आना लाजमी था। दोस्तों, क्रैक का ऐलान अक्षय कुमार और नीरज पांडे ने जोरों शोरों से किया था, लेकिन यह फिल्म पोस्टर रिलीज से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। अब यह फिल्म ठंडे बस्ते में है और इसकी मार्केट में उतरने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। खैर, ये तो इनसाइड अपडेट है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खिलाड़ी कुमार और नीरज पांडे ही जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्रैक मूवी आनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।